आज मैं आपके साथ भुट्टे की चटपटी छल्ले की रेसिपी शेयर करने जा रहा हूँ। भुट्टे को मक्का भी बोलते हैं, जिसको हम इंग्लिश में स्वीट कॉर्न बोलते हैं। ये एक सीजन वेजिटेबल है और बहुत ही हेल्दी और टेस्टी बनती है। आप इसको स्टीम करके भी खा सकते हैं, बॉयल भी कर सकते हैं, रोस्ट भी कर सकते हैं, इवन आपको ग्रिल भी कर सकते हैं। तो किसी न किसी तरह अपनी डाइट में ज़रूर शामिल कीजिए। इसको बनाना बहुत ही ईजी है और बहुत ही चटपटी और टेस्टी बनती है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे आपको मेरी नई रेसिपी का नोटिफिकेशन मिल सके। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल टेस्ट ऑफ होम फूड विद शेफ अमर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। 3 फ्रेश कॉर्न लिए है, यानी वजन से करीब 1 किलो है। अब इसके छिलके उतार लेंगे। कॉर्न के अंदर बहुत सारे बारीक रेसे होते हैं, उनको भी अच्छी तरह से क्लीन कर लेंगे और उसके बाद छोटे पीस में कर लेंगे। अगर बड़ी साइज में है तो आप 3 कर लीजिए, अगर छोटा है तो आप 2 कर लीजिए। भुट्टे को अच्छी तरह से क्लीन कर लिया है और छोटे पीस में कर लिया है। जब भी आप भुट्टे खरीदें, अच्छी तरह से चेक करने के बाद ही खरीदें, क्योंकि भुट्टे कभी कभी दिखने में तो बड़े लगते हैं लेकिन अंदर बहुत ही कम कॉर्न होते हैं। इसी तरह मैंने एक चेक किया, बाकी चेक नहीं किए, तो उसमें कॉर्न थोड़े से कम थे, तो इसलिए क्वांटिटी थोड़ी कम है। कढ़ाई में 2 ग्लास पानी ऐड करेंगे। आप भुट्टों को चाहे तो कुकर के अंदर बॉयल भी कर सकते हैं, रोस्ट भी कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो कढ़ाई के अंदर बॉयल भी कर सकते हैं। मैं इनको बॉयल नहीं करने की बजाय स्टीम करूँगा। तो अब कढ़ाई में स्टीमर ट्रे रखेंगे, उसके बाद ढक्कन लगाकर पानी को अच्छी तरह से बॉयल होने देंगे। पानी को बॉयल करते हुए 4 से 5 मिनट हो गए हैं और पानी अच्छी तरह से बॉयल हो गया है। अब कढ़ाई में एक एक करके सारे भुट्टों को अरेंज कर देंगे, यानी रख लेंगे। उसके बाद ढक्कन लगाकर लो गैस फ्लेम पे कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए स्टीम होने देंगे। तो जब तक भुट्टे स्टीम होते हैं तब तक इनके लिए मसाला तैयार कर देंगे। आधा चम्मच मिर्ची पाउडर लिया है। अगर आपको कम मिर्ची पसंद है तो आप मिर्ची थोड़ी सी कम ले लीजिए और थोड़ा सा नमक डालेंगे। आप मिर्ची की जगह चिली फ्लेक्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आधा चम्मच चाट मसाला ऐड करेंगे। 1/4 टीस्पून काली मिर्ची का पाउडर ऐड करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया है, अगर आपको कम स्पाइसी पसंद है तो आप अपने हिसाब से थोड़ी सी कम स्पाइसी ऐड कर लीजिए। 1/4 टीस्पून काला नमक ऐड करेंगे। अब सारे इन्ग्रीडियंट्स को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा गरम मसाला भी ऐड कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है। अगर आप डालना चाहें तो डाल लीजिए, नहीं तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। धीमी आंच पे स्टीम करते हुए 20 मिनट हो गए हैं, तो आप देख सकते हो बहुत ही अच्छी तरह से स्टीम हो गए हैं। अब गैस को स्विच ऑफ कर देंगे। जैसे ही थोड़े से ठंडे हो जाए उसके बाद प्लेट में बाहर निकाल देंगे। तो भुट्टे थोड़े से ठंडे हो गए हैं, इनको बिल्कुल ठंडा नहीं रखना है, हल्का सा वार्म रखना है। तो इसका जो मसाला बनाया था वो भी तैयार है। और एक नींबू लिया है, मसाले को नींबू पर लगाकर इस तरह से भुट्टे के ऊपर रब करना है, जिससे जो नींबू का जूस है वो भी भुट्टे के अंदर अच्छी तरह से चला जाएगा और बहुत ही स्वादिष्ट बनेगा। मैं वैसे भुट्टे के ऊपर मसाला लगा रहा हूँ लेकिन मेरे मुँह में खाने के लिए पानी आ रहा है। तो अभी भुट्टे का सीज़न है और ये बहुत ही सिंपल रेसिपी है, आप घर पर बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिए। और आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी, आपका अनुभव मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। तो इस तरह से सारे भुट्टे पे मसाला लगा लेंगे। तो अब भुट्टे की चटपटी छल्ली बनकर तैयार है। इसमें थोड़ा सा लेमन साइड में रख देंगे। अगर आपको और थोड़ा चटपटा या खट्टा पसंद है तो आप थोड़ा सा उस पर लेमन जूस स्प्रिंकल कर लीजिए। आप मुझे इंस्टाग्राम या फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।